नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ, जिसका नाम है समाकलन। यहाँ हम खंडशः समाकलन विधि पर आधारित कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रामाणिक समाकलनों की चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो हमें मान लेना है कि आई बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अचर फलन a को द्वितीय फलन मानते हुए और खंडशः समाकलन द्वारा हम पाते हैं कि i बराबर यदि हमने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो उसको हल करने पर हमें प्राप्त हुआ x गुना हो रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू x dx। इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा और x x के साथ गुना होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ x गुना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर है माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, जो कि बराबर है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ऐसा क्यों किया है बच्चों, आप यहां देख सकते हैं कि ए स्क्वायर जोड़ा गया है और ए स्क्वायर ही घटाया गया है, यानी इसमें जो मान दिया है इसका उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे जब हमने इसको हल किया तो हमें प्राप्त हुआ एक्स गुना हो रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिसको हम हल करते चलेंगे तो हमें एक ध्यान देने वाली बात बच्चों ये दिखेगी यहाँ कि मध्य में जो पद है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये कुछ नहीं है बच्चों, ये आई का ही मान है। तो मध्य में जो ये माइनस आई है इसको यदि मैं वाम पक्ष में ले जाऊं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 2i = x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में। आगे देखा तो हमें प्राप्त हुआ कि i बराबर है x बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में प्लस सी। इसी प्रकार यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हो तो आपको मिल जाता है एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के। उसी प्रकार बच्चों आप अन्य सूत्रों को भी अपनी पुस्तिका से देखकर लिख सकते हैं और हल कर भी देख सकते हैं। इसी पर आधारित बच्चों हम कर लेते हैं एक उदाहरण। उदाहरण में दिया गया है एक बहुपद अंडर रूट में जिसका आपको समाकलन ज्ञात करना है, यानी इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा है, इसको हम कैसे हल कर देंगे बच्चों, आप ध्यान से देखिए। इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 जो लिखा है उसको तोड़ देती हूँ प्लस 4 प्लस 1 में। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसको यदि मैं देखूं तो होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 जो दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे तो हमने x प्लस 1 को यहाँ y मान लिया, जिससे हमें प्राप्त होता है dx बराबर है dy के। तो जो आपका ये समीकरण था वो कुछ इस प्रकार बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वाई का मान एक्स प्लस 1 है और 4 को मैंने 2 के स्क्वायर के रूप में लिख लिया और dy लगा दिया साथ में। इसको जब हमने देखा तो कुछ इस प्रकार का हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में जो हम समाकलन ज्ञात कर रहे थे, तो हम सीधे बच्चों सूत्र में इसका मान डाल देंगे जिससे हमको मिल जाएगा y बटे 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4
प्लस 4 बटे 2 लॉग मॉड में y प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4 के, जिसको यदि हम हल करें y की जगह x प्लस 1 जो उसका मान था वो डाल दें तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला विषय निश्चित समाकलन। एक निश्चित समाकलन को इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स से निर्दिष्ट किया जाता है, जहां b समाकलन की उच्च सीमा तथा a समाकलन की निम्न सीमा कहलाती है। आगे बढ़े तो हमने देखा निश्चित समाकलन का एक अद्वितीय मान होता है। इसके बाद जब हम बढ़े तो हमने यह जाना कि यदि अंतराल ab में इसका कोई प्रति अवकलज f है तो निश्चित समाकलन का मान अंतिम बिंदुओं पर f के मानों के अंतर अर्थात f ऑफ b माइनस f ऑफ a के बराबर। आगे बढ़े तो हमने देखा योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। उदाहरण दिया हुआ है कि योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन 0 टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का मान ज्ञात करना है। परिभाषा के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ब्रैकेट में f ऑफ a प्लस f a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ h का मान जो है वो b माइनस a बटे n है, और आगे देखने पर हमें ये प्राप्त होता है कि इस उदाहरण में a शून्य दे रखा है और b 2, f x का मान x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, और h का मान यदि मैं इससे निकालना चाहूँ तो वो होगा 2 माइनस 0 बाय n यानी 2 डिवाइडेड बाय n। इसलिए जब आप इंटीग्रेशन 0 टू 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2। क्यों बच्चों? b माइनस a करना है, b 2 है, a शून्य है, तो 2 माइनस शून्य 2 होगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ये होगा फिर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 बाय n प्लस f ऑफ 4 बाय n, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए f ऑफ 2n माइनस 1 बटे में n, जिसको हल यदि मैं करना चाहूं तो मुझे प्राप्त होगा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ब्रैकेट में 1 प्लस ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों बच्चों? हमने कुछ नहीं किया है, fx जो परिभाषित है x स्क्वायर प्लस 1, इसमें हमने 2 बाय n डाल दिया है x के स्थान पर। आगे बढ़े हमने हल में देखा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n, उसके बाद ये 1 प्लस 1 प्लस 1 जो जोड़ा गया है ये कुछ नहीं किया बच्चों, n पदों का योगफल लिया है, प्लस 1 बाय n स्क्वायर ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा 2n माइनस 2 के होल स्क्वायर तक। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो समीकरण कुछ इस प्रकार का बनता है, 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ब्रैकेट में ये जो 1 1 n पदों तक जोड़ा गया था इसका मान n हो जाएगा, और उस वाले ब्रैकेट में यदि आप देखें बच्चों 2 का वर्ग जो है वो उभयनिष्ठ है तो वो बाहर आ जाएगा, 2 का वर्ग बटे n का वर्ग, और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम, इसमें सूत्र का उपयोग करते हुए लिखेंगे 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n ब्रैकेट में n प्लस 4 बाय n स्क्वायर n माइनस 1 इंटू n 2n माइनस 1 और उसके बाद बटे में आएगा 6। हल करते चलने पर बच्चों आपको मान मिलेगा 14/3। आप इसको अपनी पुस्तिका में हल कर देख सकते हैं। आशा करूंगी मैं आप यहाँ पे इस वीडियो को रोक कर इसको अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। देखते हैं कलन की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय में क्षेत्रफल फलन के बारे में बताया गया है यानी एरिया फंक्शन। जैसा कि बच्चों आप आकृति में देख सकते हैं, आपको एक फलन दे रखा है y बराबर एफ एक्स और उसमें ए एक्स जो है वो क्षेत्रफल फलन है जो कि हल्के रूप से छायांकित है। तो ए एक्स परिभाषित होता है कुछ इस प्रकार, इंटीग्रेशन a टू x f ऑफ x dx। इस प्रकार आप क्षेत्रफल फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगली प्रमेय देखते हैं, प्रमेय 1 समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय यानी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस।
मान लीजिए कि एक बंद अंतराल यानी संवृत अंतराल ए बी पर f एक संतत फलन है और ax जो है वो क्षेत्रफल फलन है, तब सभी उन x के लिए जो कि a और b अंतराल से आ रहे हैं a डैश x बराबर होता है f ऑफ x के। अगली प्रमेय जब हमने देखी, समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय यानी सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें हमने देखा कि कहा गया है मान लीजिए कि बंद अंतराल या संवृत अंतराल a से b पर एक f संतत फलन है और छोटे f का प्रति अवकलज बड़ा f है, तब इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx बराबर हो जाता है कैपिटल f x a से b यानी f का मान x बराबर b पर और f का मान x बराबर a पर इनका अंतर लिया जाता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि b जो है वो उच्च सीमा है और a जो है वो न्यूनतम सीमा है। आगे बढ़े तो हमने देखी एक टिप्पणी, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx में a से b पर फलन f का सुपरिभाषित एवं संतत होना आवश्यक है। उदाहरणतः निश्चित समाकलन माइनस 2 टू 3 x x स्क्वायर माइनस 1 की जो घात है वो 1/2 है, इसकी चर्चा करना भ्रांति मूलक है क्योंकि बंद अंतराल माइनस 2 से 3 के भाग यहाँ पर दर्शाया गया है x का मान जो है वो माइनस 1 से बड़ा तथा 1 से छोटा है और x के इस मान के लिए f ऑफ x बराबर x गुना किया जा रहा है x स्क्वायर माइनस 1 की घात 1/2, इस द्वारा अभिव्यक्त फलन f जो है वो परिभाषित नहीं होगा। आगे बढ़े तो हमने देखा इंटीग्रेशन a से b fx dx ज्ञात करने के चरण, तो पहला चरण में ये कहा गया है बच्चों अनिश्चित समाकलन इंटीग्रेशन fx dx ज्ञात करने के लिए हमें मान लेना है कि f ऑफ x कुछ है बड़ा f ऑफ x, जो समाकलन अचर c को लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम बड़ा fx जो है उसके स्थान पर बड़ा fx प्लस c पर विचार करें तो हम ये पाएंगे कि c जो है वो दोनों में ही आ जाएगा जिससे कि वो घट जाएगा और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी इंटीग्रेशन जब a से b लिया जाएगा छोटे fx dx का तो वो होता है बड़ा fx प्लस c और मान जो है वो a से b तक लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़ा f b प्लस c माइनस बड़ा f a पर प्लस c। जब c से c हट जाएगा तो हमें मिल जाएगा बड़ा f का मान b पर माइनस बड़ा f का मान a पर, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा कि निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने में स्वेच्छ अचर जो है वो विलुप्त हो जाता है। f ऑफ x जो बड़ा f ऑफ x दर्शाया गया है यहाँ पर, जिसका मान a से b तक, a से b तक मान का अर्थ है बच्चों x का मान हम b पर भी देखेंगे और x का मान हम a पर भी देखेंगे, उससे हमें प्राप्त होगा बड़ा f का मान b पर माइनस बड़ा f का मान a पर, जिसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx का हमें मान देखना है। आइए अब देखते हैं एक उदाहरण। कहा गया है निम्नलिखित समाकलन का हमें मान ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन 1 टू 2 x dx बटे x प्लस 1 गुना x प्लस 2। हमने मान लिया कि i का जो मान है वो है इंटीग्रेशन 1 टू 2 x dx बटे में x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। आंशिक भिन्न का उपयोग करते हुए हम पाते हैं कि x बटे x प्लस 1 का गुना जो x प्लस 2 के साथ किया जा रहा है, इससे हमें प्राप्त होगा माइनस 1/(x+1) प्लस 2/(x+2)। बच्चों जब मैंने आंशिक भिन्न में आपको पढ़ाया तो आपको बताया गया था कि किस प्रकार से इन दोनों को आपस में बराबर रखते हुए आप दो अचर a और b का मान ज्ञात करेंगे और उससे आगे के प्रश्न को हल करेंगे। इसलिए इंटीग्रेशन x dx बटे x प्लस 1 गुना x प्लस 2, इसका मान जो होगा वो होगा माइनस log मॉड में x प्लस 1 प्लस 2 log मॉड में x प्लस 2, जो कि बराबर होगा बड़े f x के। अतः कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से हम पाते हैं कि i बराबर बड़ा f का मान x बराबर 2 पर माइनस f ऑफ 1 यानी बड़े f का मान x बराबर 1 पर बराबर हो जाता है माइनस log 3 प्लस 2 log 4 के, जिसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों कि एक पहले 2 के मान पर देखा जाएगा, फिर जो दूसरा है उसको हम 1 के मान पर देखेंगे। तो
समीकरण कुछ इस प्रकार का बनेगा, माइनस लॉग थ्री प्लस टू लॉग फोर माइनस ब्रैकेट में माइनस लॉग टू प्लस टू लॉग थ्री, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस थ्री लॉग थ्री। क्यों बच्चों? क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस टू लॉग थ्री हो जाएगा, और माइनस टू लॉग थ्री और माइनस लॉग थ्री मिलके बनेगा माइनस थ्री लॉग थ्री, प्लस टू लॉग फोर है और यहां पर हो जाएगा प्लस लॉग टू, जिसको यदि मैं हल करके देखूं तो मुझे प्राप्त होगा लॉग 32 बटे 27। अगली विधि है प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना। प्रतिस्थापन विधि से इंटीग्रेशन a से b fx dx का मान ज्ञात करने के लिए आवश्यक चरण जो है वो निम्नलिखित है। पहला है, समाकलन के बारे में सीमाओं के बिना विचार कीजिए और y बराबर fx अथवा x बराबर gy प्रतिस्थापित कीजिए ताकि दिया हुआ समाकलन एक ज्ञात रूप में परिवर्तित हो जाए। अगला चरण है, समाकलन अचर की व्याख्या किए बिना नए समाकलन का नए चर के सापेक्ष समाकलन कीजिए, नए चर के स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित कीजिए और उत्तर को मूल चर के रूप में लिखिए। अगला है, चरण तीन से प्राप्त उत्तर का समाकलन की दी हुई सीमाओं पर मान ज्ञात कीजिए और उच्च सीमा वाले मान से निम्न सीमा वाले मान का अंतर ज्ञात कीजिए। निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। निश्चित समाकलनों के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों को हम नीचे सूचीबद्ध करते हैं। पहला गुणधर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी। यानी जब आप x बराबर t रखेंगे तो जो आपके ये दोनों ही समाकलन हैं ये आपस में बराबर होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ b टू a f ऑफ x dx। विशिष्टतया a से a f x dx जो होता है वो शून्य होता है। इसमें ध्यान देने वाली बच्चों बात ये है, यदि आप जो इसकी उच्च सीमा है और जो निम्न सीमा है आप अगर उन दोनों को बदल दें आपस में तो जो समाकलन है उसके आगे एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। और विशिष्टतया यदि उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों का ही मान एक जैसा है तो आपको समाकलन का मान शून्य प्राप्त होता है। आगे बढ़े तो हमने देखा एक और महत्वपूर्ण गुणधर्म, ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो बराबर होता है ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां पर ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी ए निम्न सीमा है और बी जो है वो उच्च सीमा है। इन दोनों के मध्य यदि आप कोई एक अंक लेते हैं और जो समाकलन है उसको दो भागों में बांटते हैं तो उन दोनों का जो योग होगा वो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। आगे बढ़े तो देखा हमने एक और गुणधर्म, a से b f x dx is equal to integration a से b f of a plus b minus x dx। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला गुणधर्म, integration 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। 0 to 2a integration जब हम लेते हैं f of x dx का तो ये बराबर होता है 0 to a f x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx के। आगे बढ़े तो हमने देखा integration 0 to 2a fx dx बराबर हुआ 2 integration of 0 to a fx dx के। यदि f of 2a minus x बराबर होता है fx के और fx बराबर होता है 0 के, यानी आपस में तीनों बराबर होते हैं। और यदि f of 2a minus x जो है वो बराबर होता है ऋणात्मक f of x के तो ये गुणधर्म उसमें भी मान्य है। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला गुणधर्म, ऋणात्मक a से a पे जब आप समाकलन ज्ञात करते हैं f of x dx का तो ये बराबर होता है 2 integration 0 to a f of x dx के। यदि f एक सम फलन है अर्थात यदि f of minus x बराबर है f of x के तो अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अगली स्थिति, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स शून्य के बराबर होता है यदि एफ एक विषम फलन है अर्थात यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस ऑफ एफ एक्स के। कुछ गुणधर्मों की हम उपपत्ति करते हैं,
पहली जो यहाँ पे गुणधर्म हमने देखा था, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए से बी एफ टी डी टी के। पी नॉट जो है वो उसकी उपपत्ति एक्स बराबर टी प्रतिस्थापित करने पर सीधे प्राप्त होती है। आगे बढ़े तो हमने देखा पी वन की उपपत्ति ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। पी वन की उपपत्ति, मान लीजिए कि एफ का प्रति अवकलन बड़ा एफ है, तब कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से हम पाते हैं कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर है कैपिटल एफ एट बी माइनस कैपिटल एफ एट ए के, जो कि बराबर है कैपिटल एफ एट ए माइनस कैपिटल एफ एट बी के, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन जो इसकी निम्न सीमा है वो बी होगी, उच्च सीमा ए होगी एफ एक्स डी एक्स के। यहाँ हम प्रेक्षित करते हैं कि यदि a बराबर है b के तब इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है शून्य के। आगे देखिए तो हमने देखी दूसरी गुणधर्म की उत्पत्ति, a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स के। इसकी उत्पत्ति में मान लेना है कि जो f है छोटा उसका प्रति अवकलज बड़ा f है, तब इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है बड़ा f एट एक्स बराबर बी माइनस बड़ा एफ एट एक्स बराबर ए। फिर यदि मैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स का समाकलन निकालूं तो बड़ा होता है कि बड़ा एफ ऑफ सी माइनस बड़ा एफ ऑफ ए, यानी बड़े एफ का मान एक्स बराबर सी पे माइनस बड़े एफ का मान एक्स बराबर ए पे, ये जो है वो दो समीकरण हो गए। और सी से भी एफ एक्स डी एक्स जो हमारा तीसरा समीकरण है, यानी समाकलन जब आप ज्ञात करेंगे एफ एक्स डी एक्स का जिसकी निम्न सीमा सी और उच्च सीमा बी है, तो आपको प्राप्त होता है बड़ा एफ एट एक्स बराबर बी माइनस बड़ा एफ एट एक्स बराबर सी। अब आपको तीन समीकरण प्राप्त हुए हैं, दो और तीन को जोड़ देने पर हमें प्राप्त होता है इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर है कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, जो कि बराबर है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स के। इससे गुणधर्म पी टू सिद्ध होता है। आगे बढ़े तो हमने देखा तीसरा गुणधर्म ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। इसकी उत्पत्ति हम मान लेते हैं कि टी बराबर है ए प्लस बी माइनस एक्स के, तो डी टी बराबर है माइनस डी एक्स के। जब x बराबर a है तब t बराबर b होगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आप देखिए यदि t बराबर a प्लस b माइनस x हमने माना है और हम वहां पर x के स्थान पर a लिख देंगे तो a माइनस a हट जाएगा और हमें सिर्फ b प्राप्त होगा t बराबर b। और यदि मैं x का मान b ले लूं तो b माइनस b शून्य हो जाएगा और t का मान बराबर होगा a। इसलिए इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस बी से ए एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी के, जो कि बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी के। ये कैसे हुआ बच्चों? हमको पता है जब उच्च सीमा और निम्न सीमा आपस में बदल जाती है तो फलन के समाकलन के आगे एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि टी की जगह हमने एक्स लिख दिया। ये क्या है बच्चों? पी नॉट, यानी जो हमारा सबसे पहला गुणधर्म था जिसमें हमने एक्स की जगह टी को प्रतिस्थापित किया था। आगे बढ़े तो हमने देखा एक उदाहरण, समाकलन ज्ञात करना है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का और निम्न सीमा माइनस पाई बटे चार है और उच्च सीमा पाई बटे चार है। हम प्रेक्षित करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स एक समफलन है, इसलिए इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स के। ये आपने अपने गुणधर्मों में पढ़ा था। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 एक्स बटे 2। कैसे बच्चों? आप सभी को सूत्र याद होंगे, कॉस 2 एक्स क्या हुआ करता था? कॉस 2 एक्स का मान हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उस समीकरण का उपयोग करते हुए आप ये परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा कि 2 2 से भाग देने पर वो घट गया, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस कॉस 2 एक्स डी एक्स बच गया है। आगे देखा तो हमने ये पाया कि एक्स माइनस क्यों बचे? क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, वहां कुछ नहीं है, एक एक अचर मान है।
उसके बाद आया माइनस वन बाय टू साइन टू एक्स जो कि जीरो टू वाई बाय फोर है। इसको यदि आप हल करते चलेंगे तो आखिर में आपको मान प्राप्त होगा पाई बटे चार माइनस एक बटे दो के। अगला उदाहरण देखेंगे, निम्न सीमा दी है पाई बटे छह और उच्च सीमा दी है पाई बटे तीन, और जो आपका फलन है जिसका आपको समकलन ज्ञात करना है वो है एक बटा एक जमा अंडर रूट टेन एक्स। हल करेंगे तो हमने देखा कि i बराबर मान लिया पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री डी एक्स बटे वन प्लस अंडर रूट टेन एक्स। अब इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, हमने टेन एक्स को खोल दिया अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स, और उसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है, बच्चों आप इसको अपनी पुस्तिका पर वन प्लस अंडर रूट टेन एक्स की जगह लिख लीजिए अंडर रूट साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और इस वीडियो को पॉज करके उसको पहले हल करके देखिए। जब आप उसको हल करके देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा इंटीग्रेशन पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री, और जो फलन होगा वो होगा अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा समीकरण ए। इसको हमने हल करते समय बच्चों ध्यान क्या दिया, पाई बाय थ्री कॉस में जो एक्स है वहां पर हमने लिख दिया पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स माइनस एक्स। ये कैसे हुआ बच्चों, आप इसके लिए गुणधर्म तीन देख सकते हैं जिससे आपको ये ज्ञात होगा पाई बाय तीन प्लस पाई बाय सिक्स। इसको जब आप हल करेंगे तो नीचे छह आ जाएगा जिसकी वजह से ऊपर दो पाई प्लस पाई हो जाएगा जो आगे बढ़ के होगा पाई बाय टू यानी नब्बे डिग्री, और कॉस नब्बे डिग्री माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो वहां पर दोनों जगह साइन एक्स आ जाएगा और साइन नब्बे डिग्री माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। क्योंकि बच्चों आपने चतुर्थांशों के परिवर्तन में ये चीज पढ़ी होगी कि जब भी 90 डिग्री से कुछ माइनस होता है तो वो पहले चतुर्थांश में आता है, और 90 डिग्री होने के कारण साइन का जो परिवर्तन है वो कॉस में हो जाता है। इसको हम मान सकते हैं समीकरण दो। आगे हमने जब एक और दो को जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हुआ टू आई बराबर होता है पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री डी एक्स के, यानी यहाँ पर कोई भी फलन नहीं है, मान केवल एक है, तो उसका समाकलन ज्ञात करने पर हमें x प्राप्त होगा। अब x के ये जो फलन प्राप्त हो गया है इसकी निम्न सीमा है पाई बटे छे और उच्च सीमा है पाई बटे तीन, तो पाई बटे तीन में से पाई बटे छे को घटाएंगे तो होगा पाई बटे छे, और i का मान होगा पाई बटे बारह।